давать. से मतलब लोगों का प्यार और रिव्यू मिला है वो हिसाब से तो मैं तो सक्सेस हूँ इस गानों को लेके और आगे भी मैं यही चाहूँगा कि लोग अगर इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और बेहतर इससे बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट्स लोगों के लिए लाता रहूँगा मैं।
माई फेवरेट रैपर एक्चुअली अदनान और ये दोनों मेरे भाई है छोटे जितने भी है सब. तो ऑफिस में बैठे थे हम लोग एक दिन, तो अदनान ने बोला भाई मेरा भाई रैपर है एक बार सुनो. और मैंने सुना, मैंने बोला तू इसका वीडियो क्यों नहीं बना, कितना अच्छा मैसेज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके क्यों नहीं रहते आपस में भाई. मीन्स सो आई लाइक दिस बॉय. मैंने बोला भाई प्लीज़ इसका वीडियो बनना बहुत ज़रूरी है. और ये वीडियो उसने बनाया जल्दी स्पीड में और अदनान ने डायरेक्ट किया, बहुत अच्छा बनाया. इन लोग ने कोशिश करके सबको लेके इतना हार्डवर्क करना, मतलब इट्स सीरियसली बहुत मुश्किल होती है जब तुम कोई तुम्हें सपोर्ट ना करे, खुद तुम एक गाने को लिखो भी, फिर उसको कंपोज भी करो, फिर सब लोग मिलके इन्फ्लुएंसर और उसको सपोर्ट करना. दे हैव लाइक एक स्मॉल वर्ल्ड एंड दैट स्मॉल वर्ल्ड इज़ वेरी बिग. सो आई विश देम ऑल द लक एंड ही विल एंटरटेन यू एंड ही विल गिव यू मोर गुड सॉन्ग्स एंड एमी वे बंटा है अपना बंटा आ रहे लाया. ये मैं बोला ही नहीं इसको, ये खुद से किया. असल में मैं जब सो के उठूँ, ये गाना मैंने उस सिचुएशन से पहले रेडी कर लिया था. कब, जब मैं सो के उठूँ, कभी अपने रूम से निकलूँ, न्यूज़ अब्बा देखते रहे तो उसमें कुछ इश्यूज देखूँ, कभी मोबाइल चलाऊँ इंस्टाग्राम पे चलाते चलाते कभी सर्च पेज पे चले जाऊँ तो उस पर कुछ इश्यूज़ देखूँ, न्यूज़पेपर घर में पड़े अगर कुछ काम के लिए भी यूज़ करूँ तो उसमें कुछ दिख जाए. तो जब इतने सारे चीज़ एक इंसान के माइंड में घुस जाता है ना, तो एक उस एग्रेशन से मैं कहीं उस एग्रेशन को निकाल तो सकता नहीं, तो वो मैंने किताबों पे निकाल. वेरी गुड. आप क्या कहना चाहोगे अब्दुल का गाना रैप जो है वो इस स्पेस में भी यू नो प्ले किया गया था टीजर, तो कितना खुशी होती है जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर नेशनल टेलीविजन पर एक रैप प्ले किया जाता है? बहुत खुशी होती है और मैं तो पूरी जान लगाना चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ किया हूँ और करता हूँ. तो ये तो मेरा भाई है, मेरा खून है, तो इसके लिए भी मैं जितना हो सकेगा करूँगा. और मेरे दोस्त लोग भी सब कर रहे हैं इसको सपोर्ट, जितना हो सक रहा है सब कर रहे हैं. और एजाज भाई भी कर रहे हैं, जितने हैं मेरे ग्रुप वाले, फैज फैसल, मेरी पूरी टीम, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं. पहली बात तो कोई भी इन्फ्लुएंसर ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट करने से हिचकिच जाता है कुछ ऐसा टॉपिक है तो. पर ये गाना जब मैं उन लोग को सुनाया, मैं उन लोग को बोला भी नहीं था, पर उन लोग खुद गाना सुन के ना उन लोग इस चीज़ का पार्ट बनने की कोशिश, मतलब मेरे को बोले कि, और ये बहुत अच्छी बात है. बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा उन लोग को, जितने भी है, सोहेल, फैजल सिद्दीकी, लकी डांसर, आस, टीम नवाब और टीम नवाब, आमिर भाई, तनवीर, जितने हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर, दानिश भाई, फौजान भाई, जितने भी इसमें पार्टिसिपेट किए, म्यूजिक प्रोड्यूसर और क्या बोलते हैं जो ड्रॉप आउट सेवन शूट किए, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा. बहुत शुक्रिया भाई. डेढ़ दिन की बात है, डेढ़ दिन में शूट किए हम लोग. और ये गाना ये बहुत पहले से लिखा था, पर ये गाने में चेंजेस कम से कम इसको मैं 10 बार से ज़्यादा बार स्टूडियो में भेजाऊँ गाने में जो भी चेंजेस कराने के लिए, और थोड़े बहुत लिरिक्स भी चेंज कराने के लिए. भी बहुत ख्याल रखता है हर चीज़ का, एक एक लाइन चेंज करके उसको ये लाइन निकाल दे तो इज गोइंग गुड. ऑफ कोर्स ऐसा ही होना चाहिए. योगी ने काफी सपोर्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का सपोर्ट रहा है टीम? क्योंकि भी है मेरे लिए, जो भी कभी भी मेरे को कोई भी चीज़ की जरूरत रहती है, अभी भी यहाँ कोई भी चीज़ से रिलेटेड क्योंकि खड़े रहती है, और जितने भी प्रॉब्लम फेस होते हैं तो हमेशा क्यों, तो क्योंकि मेरे साथ है. तो एक बहुत बड़ा थैंक यू टीम क्योंकि के लिए. ओके, वन मोर थिंग, अब्दुल और अदनान, यू नो विकास गुप्ता है, एजाज खान है, आप लोगों को इंडस्ट्री के इतने अच्छे लोग हैं जो आप लोगों के सपोर्ट में बीइंग इन्फ्लुएंसर, कितनी खुशी होती है? ये बहुत बड़ी बात है पहली चीज तो, कि इंडस्ट्री से ज़्यादातर जितने भी एक्टर हो गए या कोई भी इंडस्ट्री से लोग ज़्यादातर ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग भी अपने काम में होते हैं और अपने काम को छोड़ के भाई हो गए या विकास सर हो गए जैसे हम लोगों को वक्त देते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है. तो आप लोगों के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट भाई, विकास सर के लिए. शायद विकास को और मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम लोग ऐसी बात नहीं. नो, आई मीन ही इज सपोर्टिंग न्यू टैलेंट बिकॉज आई नो हिम सिंस लॉन्ग टाइम, और बहुत ऐसे नए टैलेंट को वो लाता है और सपोर्ट भी करता है. ऑफ कोर्स मैं भी भाई, मेरे भाई सलमान भाई का बहुत बड़ा भक्त भी हूँ, आई लव हिम सो मच. सो अगर कोई टैलेंट दिखता है तो उसको सपोर्ट करने में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी को तुम मोटिवेट करते हो और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ज़िंदगी में वो तुम्हें याद ही रखेंगे, थैंक यू बोलेंगे और तुम्हें दुआ भी मिलेगी. गाना सुनने के बाद ये रैप सुनने के बाद क्या लगता है सोसाइटी में क्या चेंजेस आ सकते हैं?
यार मेरे अंदर तो बहुत बड़ा चेंज आया गाना सुनने के बाद. आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, इट्स सो पॉजिटिव. आई एम ऑलवेज लाइक दिस. मेरा यही मोटो रहता है हमेशा कि ये जो हो रहा है, मैं इसलिए गाना सुन के इतना सपोर्ट इसलिए किया कि अब मेरा कोई भी वीडियो देखो उसमें ये बात होगी होगी कि हम लोगों को धर्म के नाम पे जो बांट दिया गया है दैट इज़ नॉट राइट. बिकॉज ये है असली हिंदुस्तान. यंगिस्तान इज 70% यंग बॉयज़ हमारे इंडिया में है और हमें कहाँ होना चाहिए और हम कहाँ हैं छोटी छोटी बात पर, जैसे बाबरी मस्जिद और उसका मुद्दा हो गया उस पर भी, तो ये सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट हो रहा है. ये है फ्यूचर. इन लोग अगर आगे जाएंगे इंडिया का यूथ तो इंडिया आगे जाएगा. किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? मिलियंस में हिट आ रहे हैं. बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन तो मतलब मेरे को, मैं बहुत डर रहा था ये कि इतना ऐसा टॉपिक है ये कि बहुत डर लग रहा था इसको मैं अपलोड करने के टाइम पे कि क्या आएगा ऑडियंस का रिव्यू, कहीं इस पर भी तो फाइट नहीं होंगे, बहुत डर लग रहा था. पर लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला. मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को मैं पूरी रात सुबह हो जा रही है कमेंट पढ़ते पढ़ते, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट. इतने बड़े पैराग्राफ टाइप्स के कमेंट्स आ रहे थे जो देख के भी मतलब कभी किसी के पोस्ट पे या कभी किसी के गानों पे भी मतलब इतने नहीं मिले थे, तो वो कमेंट्स देख के और मोटिवेशन हो रहा था. सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा उसमें, बहुत सारे कमेंट्स ये है बेस्ट रैप ऑफ 2019. आप अगर स्क्रॉल करोगे ना तो ये आपको एक स्क्रॉल में ना एक बार दिखेगा ही, तो इतने कमेंट्स है. और दूसरी चीज़, बहुत से कमेंट्स ये भी है मैंने नोटिस किया कि भाई मैं इससे पहले रैप कभी नहीं सुनता था, पर ये रैप सुन के मेरे को अब मुझे रैप पसंद होने लगे. ऐसा टाइप के रैप बनेंगे तो मुझे रैप बहुत पसंद है. मीडिया की वजह से ज़्यादा वायरल हो रहा है. तो बहुत अच्छा लगा. पहले इसको बोला क्या इसको अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अदना ना क्या मेरे को पूछा क्या ये रैप बनाया, तो बोला बहुत अच्छा ये मगर शूट कर फटाफट. मैंने इसको बोला शूट कर सबसे पहले, मगर थोड़ा होता है मतलब ऊपर नीचे हो रहे थे, क्या करे या नहीं करे. उसके बाद मैंने शूट कर ले, काम का जो भी लाइन है वो सब चेंज कर ले जो अपने गलत लग रही है, उसने किया और अब्दुल को 10-15 बार भेजा. अब्दुल तक क्या है इसको बहुत है. इन लोग फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं है, इन लोग जैसे सपोर्ट करते हैं वही बहुत है. और इन लोग के लिए हाँ, अभी ये टाइम पे क्वेश्चन पूछे तो बहुत ही पहले टाइम पे आप क्वेश्चन पूछे तो मैं बताना चाहूँगा कि अब इन लोग ये गाने में तो नहीं थे, अब इसके बाद जो गाने आने वाला है जो पार्टी सॉन्ग उसमें रहेंगे, और वो गाना इंशाल्लाह देखना आप लोग पार्टी सॉन्ग है और बहुत ही खतरनाक है. ये लिख लिया है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि क्रिसमस और न्यू ईयर के पहले, ये मैं अभी बता रहा हूँ, मैं अभी तक का बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ. तो और बहुत ही अच्छा गाना ये, और सबकी ज़ुबान पे आएगा इंशाल्लाह. ये ऐसा गाना लिखा है इसने, मेरे को बहुत मज़ा आया. और ये मेरे को वो गाना लिख के मेरे को रात में नींद से उठा के मेरे को सुनाया था. मैं इसको रात में लेके गया था, मैं ब्लूसन ओवर जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, तो ये कभी पार्टी किया नहीं है, ये जो चीज़ ऑब्जर्व करता है ये उस चीज़ पर लिख सकता है, ये कभी पार्टी किया नहीं. तो मैं इसको बोलता हूँ पार्टी सॉन्ग लिख, पार्टी बोलता क्या होता है वहाँ पर. तो फिर इसको ब्लूसन ओवर बताए कॉन्सेप्ट कि ऐसा ऐसा सोच ऐसा ऐसा होता है ये वो. उस दिन आके रात भर लिखा और मेरी नींद ख़राब करके ना 5:30-6 बजे मेरी नींद ख़राब किया, और मैं उस दिन लेट आया था तो गुस्सा होकर मैं इसको मारने आया था. फिर मगर मैं चलो की तरह मत लिख देना तू, उतने उतने दारू नहीं ऐसा मत कर देना. नहीं वो सब चीज़ से दारू. फिर इसने गुस्से में मेरे को, मैं गुस्से में उठा. मैं फिर मैं बोला चलो ठीक है सुनता हूँ. फिर जब सुना ना तो गुस्से में उठा, पर मैं गाना सुन के ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया. मैं बोला क्या बात है. फिर मैं बताया इन लोग को मैं फिर सुनाया भी, मैं जो इसका ऐसे फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करके मैं इन लोग को भी सबको बहुत मज़ा आया. तो इंशाल्लाह कार में सुनते थे, कार में अब बहुत मज़ा आएगा आपको, उसके लिए काम चालू. बस आप लोग का दुआ, आप लोग का ऐसे सपोर्ट रहेगा ना, और आप लोग एक्साइटेड हो जाओ क्योंकि मेरे को पता है कि आप सबकी जुबान पे आने वाला है गाना, बहुत ही अच्छा गाना है. ऐसे ही प्यार देना आप लोग जैसे इसमें प्यार दिया. थैंक यू. फटका जो गया माशाल्लाह वो भी 4.2 मिलियन या 4 क्रॉस कर गया वो, और सेकंड निकाला था सवाल, जो सवाल उतना चला नहीं. सो मैं बट सवाल की लिरिक्स आपको मैं सुनाना चाहूँगा सवाल. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं सवाल ये बोल रहा है उससे पहले, ये मुझे बताया भी नहीं, ये सोचा कि मैं बिजी रहूँगा. फर्स्ट टाइम मैं किया तो सेकंड टाइम पे इसने मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया. ये खुद से मोबाइल से शूट करके वो अपलोड किया है सेकंड टाइम, फिर भी उस पर इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए, मतलब उस पर ना के बराबर हो वो गाना. आप सुनो आप लिरिक्स, उसके लिरिक्स फर्स्ट टाइम से ज़्यादा अच्छे.
मेरी हिम्मत मेरे साथ चाहे जैसे वो हालात थोड़ी बलती मेरी बात क्योंकि अलग ही अंदाज मुझे बाकी अभी सांस जाना सबको उसके पास यहाँ कोई नहीं खास बंदे सभी यहाँ लाश अब बस करता हूँ ये आस अब तेरा पर्दाफाश किससे जलने का नहीं इस पे पलने का नहीं हमसे फोकट खाली फोकट में तू बजने का नहीं हमसे लड़ने का नहीं खोटा सड़ने का नहीं जो सीखा मैंने सीखा इस छोटी सी चाली में दुआ मिली मुझको मेरे अब्बा की गाली में खुशी छुपी मेरी पब्लिक की ताली में फ्लो मेरा बाप और लिरिक्स भी भारी है रुका बहुत साल अब अपनी बारी है मेहनत मेरी अभी तक यहाँ पे जो जारी है लिखने लगा शब्दों को कलम से हाल ही में फंसा था मैं बहुत इस धोखे की जाली में फिर भी आगे का प्लेन पेज करता सिर्फ आर्ट ये है साथी की बात मेरे कलम मेरे हाथ लास्ट पेज का हो साथ जब सब सोते उस रात लिखता रहता था हालात ना कोई धर्म ना जात सब अपने हैं खास लगा कुछ साल जो मैं बदला मेरे हाल में रास्ते मेरे जो बवाल उस पे सीधी मेरी चाल ना मैं करता जो जाल ना मैं पीता माल बाल बोल काय का सवाल बोल 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 क्या का सवाल टैलेंट डांसता तो वहाँ पे टैलेंट दिखाने का अभी टैलेंट मेरे पास तो इतने टैलेंट है माशाल्लाह से तो वहाँ पे मगर परफॉर्म जो मैं कर सकता था वो ये तीन चार टास्क थे तो वहाँ पे रैप कोई कर नहीं सकता रैप कोई नहीं किया था फिर उन लोग कमजोर बोले तो मैं फिर निकाला टी शर्ट मेरा लो कमजोर फिर थर्ड फिर एंटरटेनमेंट बोले फिर डांस दिखाया वेलकम